डिवाइडेड डी एक्स अपॉन इज इक्वल टू 4x प्लस वाई प्लस वन का होल स्क्वायर। इसे ही मान लो 4x प्लस वाई प्लस वन को t मान लो, 4 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस जीरो इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। यहाँ हमने डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकाली, डी टी अपॉन डी एक्स माइनस 4 यहाँ पुट कर दिया। तो इस डी वाई अपॉन डी एक्स पुटिंग इन फर्स्ट, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आएगा, डी टी अपॉन डी एक्स माइनस 4 इज इक्वल्स टू, इसके लिए क्या रखा था, टी। ठीक है, अब देखो इस 4 को दे ले दो, डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 4, डी टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 4 डी एक्स, टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। अब इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो गया, 1 अपॉन ए टैन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी इज इक्वल टू एक्स। क्या यूज किया हमने, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, 1 अपॉन ए टैन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, तो 1 बाई टू टैन इनवर्स टी की जगह कितना आएगा, 4x प्लस वाई प्लस 1। क्वेश्चन खत्म, बस इतना ही करना था इसमें।